सर ये देखिए जो राजा जी है हमारा, ये 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और जिम कॉर्बेट से अटैच है ये। अच्छा। और ये हमारी सफारी है 36 किलोमीटर की है। और यहाँ पर लगभग सर 700-750 एलिफेंट है, 34 टाइगर है और 200-250 लेपर्ड भी है। लेकिन सर जंगल बहुत बड़ा है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक हाथी भी नहीं दिखता है इतने हाथी में से। हाँ। उनकी मर्जी है जी। और ये जो पेड़ देख रहे हैं साल के पेड़ है, ये साल के पेड़ है जी। साल कहते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल खड़ा। अच्छा, साल और सागुन है, सागौन। थोड़ा पेड़ों के ऊपर ध्यान करते हुए भी चलना सर। हाँ जी, लेपर कई बार पेड़ के ऊपर भी। हाँ, ऊपर बैठ जाते हैं, बहुत ऊँचे हैं। नदी का नाम है मोडाल नदी। मोडाल नदी, ये बारिश में चलती होगी। साल के खूबसूरत जंगलों के बाद अब हम नीचे घास के मैदानों में उतर चुके हैं। बारिश के मौसम में यहाँ बहुत सी नदियाँ बहती हैं, जिसकी वजह से ये रास्ते पूरे बंद हो जाते हैं। शेरू भाई ने मारा है। और ये हाइने के काम है जो इधर। अच्छा, हाइना ने कचरा किया इसका। अच्छा, हाइना भी है। हाइना बहुत है यहाँ पे। हाइना तो हड्डी भी खा जाता है। वो तो बड़े खतरनाक होते हैं। नहीं नहीं, हाइना हाइना अच्छा जानवर होता है, उसको बदनाम किया गया बस। हाइना क्या कहता है, मरा हुआ खाता, सड़ा हुआ खाता, सड़ा हुआ खाता। दूर कहीं शिवालिक की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊंची लंबी घास देखने को मिलती है। पिछली शाम यहाँ पे काफी तेज तूफान और आंधी बारिश आई है, जिसकी वजह से जंगल में हर जगह पेड़ गिरे हुए हैं। जंगल में उथल पुथल होने के बाद जानवर कम दिख रहे हैं आज। देखिए सामने इंसानों की प्रजाति, इंसानों का झुंड। ये ज्यादा पाए जा रहे हैं आजकल। साप साप पक्षियों के। दोपहर की सफारी में जानवर आपको देर से दिखते हैं, क्योंकि शाम होते ही थोड़े जानवर निकलना शुरू करते हैं। इसके विपरीत अगर आप सुबह सफारी करेंगे तो आपको सुबह जानवर दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अर्ली मॉर्निंग। बाद में दोपहर होते होते जानवर कम दिखते हैं। राजा जी का ये जंगल बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे जंगली हाथी, बाघ, बहुत से तेंदुए, बाकी काफ़ी जानवर हैं। लेकिन ये जंगल इतना बड़ा है कि हर जानवर आपको हर बार दिख जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। आप जू में नहीं आए, आप जंगल में आए हैं, जंगल के मेहमान हैं। जानवरों की मर्जी है वो आपको दर्शन दे या नहीं। Thank you.
सुनहरी शाम में ये हाथी का झुंड घास के मैदानों में भोजन ढूंढने निकला है। इस झुंड में एक छोटा बच्चा हाथी भी है। आज पहली बार अपनी आंखों से जंगली हाथी देखने को मिले हैं। इतने शांत स्वभाव में इन हाथियों को देखने का अलग ही मजा है। ये जीव दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में आता है। शाम होते होते हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका है। हमारे गाइड बोलते हैं कि कभी कभी शाम को वापस जाते वक्त आपको जानवर दिखने के काफी चांस रहते हैं। हम बिल्कुल शांत हो गए और जंगल की शांति का अनुभव करने लगे। इतने खूबसूरत जंगल को निहारने का अलग ही मजा है। मैं बहुत से नेशनल पार्क गया हूँ, लेकिन ये जंगल काफी खूबसूरत है। सफारी के लिए आपको 3500 से 4000 रुपए देने पड़ते हैं फुल जीप के लिए, जिसके अंदर 6 लोग जा सकते हैं। रिहान भैया हैं, ये हमें आज सफारी इन्होंने घुमाया था। थोड़ा बताओगे आप किस तरह से सफारी कर सकते हैं और कौन से गेट हैं इसके? राधा जी के 4 गेट है सर जी। एक तो रानीपुर है, एक मोतीचूर, ये चीला गेट जो राजा जी नेशनल पार्क है, और यहाँ पे सफारी होती है। ये हरिद्वार जो है, हरिद्वार से आप ये राजा जी होते हुए, चीला डैम होते हुए ऋषिकेश जाते हो, उसी रोड पे पड़ता है, यहीं से आपको सफारी की बुकिंग कर सकते हो आप। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।